Assalamualaikum guys. So guys, welcome back to another video. और इस वीडियो में जो हमने बात करनी है, that is about Honda Civic. Honda Civic का facelift is going to be launched in Pakistan. और कल ही ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने जा रही है. Civic 1.8 ORIEL का भी facelift आ रहा है. उसके अलावा Civic RS Turbo भी आ रही है पाकिस्तान में again. So guys, let us start this video without any further damn to do. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो facelift मॉडल्स आ रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग हो रही हैं और क्या क्या प्राइस चेंजिंग हो रही हैं, क्या क्या प्राइस बम्प्स हो रहे हैं. So guys, let us start. जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि कल से ही शोरूम में अवेलेबल होगी 1.8 की ORIEL और उसके अलावा जो 1.8 सादी है ORIEL के बगैर वाली, वो दोनों गाड़ियां अवेलेबल होंगी एट द शोरूम फ्रॉम टुमारो. जो गाड़ियां हैं 1.8 ivtec वाली, उसके अंदर जो चेंजिंग आ रही है बेसिकली वो ये है कि गाड़ी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल आ रहा है. ये ORIEL के बगैर वाली गाड़ी है. जो ORIEL के बगैर वाली पहले गाड़ी थी उसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता था और ये जो क्रूज़ कंट्रोल होगा इट विल हेल्प ड्राइवर्स टू मेंटेन अ स्टेडी स्पीड. जो पहले टर्बो वगैरह थी और ORIEL थी वो पहले से क्रूज़ कंट्रोल के साथ आती थी. जो सादा थी उसके अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं आता था, जबकि इस बार क्रूज़ कंट्रोल विल बी इंट्रोड्यूस इनटू द सादा वन और 1.8 ivtec के अंदर भी आ जाएगा क्रूज कंट्रोल. कमिंग टू द ivtec ORIEL, ORIEL के अंदर LED हेडलाइट्स आएंगी, LED फॉग लाइट्स आएंगी, क्रोम की स्ट्रिप आएगी वो जो फॉग लैंप्स के एरिया में है. अब मैं आपको वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा, दिखा दूंगा तस्वीर. और उसके अलावा शार्क फिन एंटीना आएगा, जो कि होंडा काफ़ी सालों से होंडा सिटी के साथ भी करता है कि शार्क फिन एंटीना को एज फेसलिफ्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा के एज एन ऑप्शन बेचता है लाख लाख रुपए की. उसके बाद अलॉय व्हील्स नए आएंगे. उसके अलावा ट्रंक कवर आएगा इन केस ऑफ ORIEL. कमिंग टू द टर्बो, और टर्बो पाकिस्तान में बंद हो गई थी तकरीबन एक दो महीने ही आए थे. उसके बाद मॉडल्स जो उसके यूनिट्स थे उसको इक्वल कर लिया गया था, मगर अब ये है कि टर्बो आ रही है. टर्बो ब्रांडिंग के साथ आ रही है, RS की ब्रांडिंग होगी गाड़ी के ऊपर. नया सारा कंट्रोल सिस्टम आ रहा है, कंट्रोल यूनिट नया होगा गाड़ी के अंदर. कंप्यूटर जो मैनेजमेंट सिस्टम होगा वो नया होगा. RS का मोनोग्राम होगा फ्रंट पे भी रियर पे भी. उसके अलावा ब्लैक कलर का इंटीरियर होगा, फुली ब्लैक. LED हेडलाइट्स होंगे, LED फॉग लाइट्स होंगी और उसी तरह ही जैसे कि ORIEL के अंदर क्रोम की स्ट्रिप थी रियर और फ्रंट बम्पर से, उसी तरह होगी. शार्क फिन एंटीना होगा. जो दूसरी दो गाड़ियाँ उसके अंदर 16 इंच के अलॉय रिम्स हैं, इसके अंदर 17 इंच के अलॉय रिम्स होंगे. उसके अलावा ट्रंक कवर भी होगा. तो गाइस, ये वो चीज़ें हैं जो कि चेंजिंग हुई हैं इन गाड़ियों के अंदर और इनको एज अ फेसलिफ्ट बेचा जाएगा इन पाकिस्तान. जो गाड़ियों की प्राइसेस हैं उन जो अभी चल रही हैं प्राइसेस वो तो हमारे पास हैं, मगर जो कि प्राइसेस अपडेट होकर आएंगी वो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है. और वन थिंग टू नोटिस के FAD देखेंगे कि लगता है जो नई गाड़ियाँ रेस करते हैं होंडा या नहीं करता. वैसे ये खबर है कि होंडा ने बुकिंग स्टार्ट कर दी है एंड बुकिंग को अबाउट 1 मिलियन और जो डीलर्स बुक कर रहे हैं गाड़ियों वो 1.2 मिलियन के बजट से कर रहे हैं. और ये ही इन्फॉर्मेशन है अभी तक. बाकी प्राइस की जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है टर्बो के बारे में या सादा सिविक के बारे में तो वी विल लेट यू नो. स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड पीस आउट.